वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुज यूट्यूब चैनल, हियर इंजीनियर हरी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस प्लस उसके आंसर्स भी देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज शेयर करेंगे ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। दिस इज टी बीम, तो टॉप पोर्शन को कहते हैं हम फ्लेंज, और जो बॉटम पोर्शन है टी बीम के ऊपर जो स्लेब है उसके नीचे में जो पोर्शन दिए हुए बीम, ये इसको कहते हैं वेव। तो यू हैव टू टेल कि इसकी न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो कहाँ पे होती है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट, ऑप्शन ए में है विद इन द फ्लेंज, बी में है एट द बॉटम एज ऑफ द स्लेब, सी में है बिलो द स्लेब, एंड डी में है ऑल द एबव। सो योर ऑप्शन डी ऑल द एबव आंसर इज करेक्ट। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द टी बीम एग्जिस्ट, ऑप्शन ए बी सी ऑल आर करेक्ट। टू इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, बी में है इंक्रीज ग्रेजुअली टुवार्ड्स द एज, सी में है डिक्रीज ग्रेजुअली टुवार्ड्स द एज, और डी में है केप्ट जीरो एट एज। आउट ऑफ द ए बी सी डी योर आंसर सी इज करेक्ट। फाउंडेशन की थिकनेस है इट इज डिक्रीज ग्रेजुअली टुवार्ड्स द एज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फर्दर ऑब्जर्व दिस पिक्चर हाउ द फाउंडेशन एज इज रिड्यूसेस फ्रॉम मैक्सिमम एट द सेंटर एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस जीरो टुवार्ड्स द एजेज। बीम डिजाइन के ऊपर में है, फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर ए बीम डिजाइन द विड्थ इज एज्यूम्ड, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको चार ऑप्शन है, 1/15 ऑफ द स्पेन, 1/20 ऑफ द स्पेन, थर्ड में है 1/25 ऑफ द स्पेन, और डी में है 1/30 ऑफ द स्पेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1/30 ऑफ द स्पेन आपको लेकर चलना है फॉर इनिशियली डिजाइन ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम। Again, this question is on the width of the beam. According to fire exposure of 2 hours, according to IS code 456-2000, what shall be the minimum width of the beam? Option A, B, C, D में दिया हुआ है 200, 300, 400 and 450. तो आपके correct answer है 200 mm होना चाहिए, option A is correct. Now, this question is on to a slab. The maximum ratio of span to depth of a slab simply supported and spanning in two directions is, आपका A में है 25, B 30, 35 and 40. Your correct option is C, 35. The maximum ratio of a span to depth of a slab simply supported and spanning in two directions, that is to a slab के लिए कम से कम 35 होनी चाहिए, 35. Question, for normal cases, stiffness of a simply supported beam is satisfied if the ratio of its span to its overall depth does not exceed 10, 15, 20, 25. तो कौन सी वो रेशियो सही होती है? Your option is C is correct, 20 होनी चाहिए minimum to satisfy the stiffness condition of the simply supported beam. तो इसी में हम बताते हैं कि stiffness क्या चीज़ होती है। Stiffness वह चीज़ होती है किसी beam की, so that it can easily resist the bending shear force and other moments coming to their ends. That is the stiffness of the beam. Now, what shall be the live load to be considered for an accessible roof? वैसे रूप जहाँ की छत खुली हुई है, आदमी ऊपर जा सकता है, उसके लिए कितनी लाइव लोड होनी चाहिए डिजाइन के लिए? तो ए में है नहीं, बिल्कुल नहीं, बी में है 75 kg/m³, सी में है 150 kg/m², और डी में है 200 kg/cm². ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 150 kg/m² कम से कम लाइव लोड आपको डिजाइन में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी बीम के ऊपर में है, ए टी बीम बिहेव्स एज ए रेक्टेंगल बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज, कुछ केसेस दिए हुए हैं, इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस ए रिमेन विद इन द फ्लेंज, बी में है रिमेन बिलो द स्लेब, सी में है कोइंसाइड द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बीम, डी में है नॉन द एबव। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिमेन विद इन द फ्लेंज। यदि टी बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन
यदि फ्लेंज के अंदर होती है देन द टी बीम विल बिहेव एज ए रेक्टेंगल बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज. सो टू सेटिस्फाई द कंडीशन द न्यूट्रल एक्सिस पोजिशन इन द टी बीम शैल बी रिमेन विद इन द फ्लेंज ऑफ द टी बीम. द रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज कैप्ट. यानी कि रेशियो ऑफ ब्रेथ डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ, इसकी रेशियो कितनी होनी चाहिए फॉर बीम के लिए, 0.25, 0.5, 0.7 और 0.75. योर करेक्ट आंसर इज बी 0.5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू डिफाइन ए आरसीसी कॉलम इज ए लॉन्ग और शॉर्ट. क्या डिफिनेशन हो सकती है उस पर है. ए कॉलम इज रिगार्डेड एज ए लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई लेटरल डायमेंशन एक्सीड 10, 15, 20, 25. Your correct answer is option B, 15. When the ratio of effective length of the column divided by its lateral dimensions exceed 15, then the column is regarded as a long column. According to IS code 456-2000, the diameter of main bar in RCC column shall not be less than, आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12. सो मेन रेइंफोर्समेंट फॉर आरसीसी कॉलम डाय ऑफ द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm. दिस क्वेश्चन ऑन टेस्टिंग ऑफ पाइल. इन टेस्टिंग ए पाइल बाय लोड टेस्ट पाइल प्लेटफॉर्म इज लोडेड विथ 1.5 times द डिजाइन लोड एंड ए मैक्सिमम सेटलमेंट इज नोटेड राइट. द लोड इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एंड द consequent rebound is measured. Now, for safe pile, the net settlement means that is total settlement minus rebound per ton of test load should not be exceed. इसमें कुछ डेटा दिए हुए हैं 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm. तो आपकी कौन सी आंसर सही होगी, तो वो आपकी आंसर होगी 25 mm. For a safe pile, the net settlement, that is total settlement minus rebound per ton of test load shall not exceed 25 mm. So your option D is correct. अब मैं आपको एक वीडियो में डेमो देना चाहूँगा कि पाइल टेस्टिंग के जो अरेंजमेंट होते हैं कैसे होते हैं और वो कैसे सेटलमेंट को मेजर करते हैं. यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डाल दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे. तो जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, स्टैटिक पाइल लोड टेस्टिंग में एक लोड ट्रांसफर बीम होते हैं, फीड लोड बीम होते हैं, रिएक्शंस पाइल होते हैं, लोड एप्लीकेशन सिस्टम देख रहे हैं, रेफरेंस बीम और टेस्ट पाइल जो सबसे लोडिंग के नीचे रखा हुआ है बीच में उसको कहते हैं टेस्ट पाइल. सेम चीज़ को अगर आप एक क्रॉस सेक्शनल व्यू से देखते हैं ड्राइंग फॉर्म में तो दिस इज़ अ टाइपिकल सेटअप फॉर ए वेटेड बॉक्स और प्लेटफॉर्म. दिस अरेंजमेंट मेड फॉर स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट एट साइट. आप जो लोडिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उस पर सफिशियंट लोड की जाती है और हाइड्रोलिक जैक के मदद से उस लोड को ऊपर उठाया जाता है. देन डेफिनेटली योर सेटलमेंट विल हैपन बिलो. जैसे जैसे आपको हाइड्रोलिक जैक से लोड उठेगी, आप जो डायल गेज देख रहे हैं इसमें जो मीटरिंग लगा रहता है उसमें आप सेटलमेंट आप देखेंगे. This is the meter gauge to read the settlement. तो आप जो final settlement होगी उसको नोट किया जाता है, उसको कहते हैं rebound settlement. और 20 mm से आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए settlement as far as your questions is concerned in the MCQ. A brief introduction about me. I am Engineer Hari, postgraduate in structural engineering, more than 25 years experience in the structural design construction work of various projects. Watch more at my YouTube, the issue video. Thank you. Jai Hind.